चुनाव सर पर है, इसलिए कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि उसके नेता कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर जाएं। इसलिए पार्टियों ने अपने रूठे कार्यकर्ताओं और नेताओं को मनाने की कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बीजेपी ने टिफिन बैठक का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश सरकार में मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा शामिल हुए। ओम प्रकाश सखलेचा ने कहा कि ये टिफिन बैठक रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए नहीं थी, बल्कि पार्टी ऐसा जनसंघ के जमाने से कर रही है। ऐसा करने से कार्यकर्ताओं में जो नाराजगी होती है उसे एक साथ खाना खाते हुए दूर कर देते हैं। इस टिफिन बैठक में प्रभारी मंत्री के अलावा पूर्व मंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष ललिता यादव सहित संगठन के नेता भी शामिल हुए। देखिए, टिफिन पार्टी सन 57 से जनसंघ के समय से हमारी परंपरा है, और सन 57 से जब जनसंघ की शुरुआती दौर था तब से भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता टिफिन पार्टी करते थे, क्योंकि आपसी में मतभेद और दूरियां कम करने का और व्यवस्था जनरल के साथ बैठकर भोजन का एक अलग आनंद लेना, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। इस समय सभी कार्यकर्ता, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे पदाधिकारी हो, प्रदेश के, जिले के, सब बराबरी में एक साथ बैठकर जब भोजन करते हैं तो आपसी में सामान्य सी चर्चा और कई कन्फ्यूजन्स खत्म होते हैं। इसलिए ये पार्टी हर जगह हो रही है, और आज मुझे भी यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं के साथ भोजन करने का सुख प्राप्त हुआ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।